नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको आपके बूब्स का साइज कैसे बिग करना है, कैसे बढ़ाना है। उन लड़कियों के लिए ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिनके बूब्स का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत बार आपकी सुंदरता आपके बूब्स पे भी डिसाइड हो जाती है, डिपेंडेंट हो जाती है। ब्रेस्ट का साइज़ अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तो आपको बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है और आपकी ये पर्सनैलिटी को भी थोड़ा सा कम कर देता है। सो फ्रेंड्स, कई सारी ऐसी मेरी फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूब पे जुड़ी हुई हैं मुझसे और उनका कंटिन्यूस ऐसा प्रश्न आता रहता है कि मैम, हमारा ब्रेस्ट साइज़ काफ़ी छोटा है तो घरेलू उपाय कौन से करने चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत बार आप सोचती हैं कि मेडिसिन खा लेंगे या फिर हम कुछ अतरंगी सतरंगी उपाय कर लेंगे, उससे हमारा बूब साइज़ बढ़ जाएगा, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये दवाइयों का सेवन करने से आपके ब्रेस्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसके नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको हमेशा ऐसा उपाय करना चाहिए जो घरेलू हो, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। सो फ्रेंड्स, पर्सनली मैंने काफ़ी सारे महिलाओं को ये सजेस्ट किया और उनमें बहुत जल्दी बदलाव भी देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, आपको भी मैं 3 से 4 ऐसी बातें बताऊंगी जो आपके ब्रेस्ट से रिलेटेड है और फ्रेंड्स आपको हेल्प भी करेगा आपके साइज़ का इंक्रीज़ करने में। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, आप जैसे भी हो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, अपने आप का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। अगर आपको कोई कहता है कि आपका बूब साइज़ छोटा है, इस वजह से आप परेशान हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक रूप से हर महिला का शरीर अलग अलग होता है, हर महिला अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है, उन्हें और ज़्यादा खूबसूरती की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन सुंदर है, अगर आप अंदर से बहुत अच्छी हैं, तो आपको बिल्कुल भी किसी भी झमेले में, झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप कुछ छोटे मोटे उपाय करके अपने शरीर को और भी ज़्यादा सुंदर कर सकती हैं और निखार सकती हैं, जिसमें पहली बात का ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि अगर आपके ब्रेस्ट साइज़ छोटे हैं तो आप रात को सोते समय मसाज दे सकते हो इसे। मसाज करने से क्या होगा, आपके शरीर के अंदर जिस एरिया पे आप मसाज करते हैं वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और ऑक्सीजन अच्छे से कंजप्शन बढ़ा देता है स्किन, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, तो इससे साइज़ भी इंक्रीज़ हो सकता है। और इसके लिए आपको तेल कौन सा इस्तेमाल करना है, तो हमेशा आपको नारियल तेल का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये स्किन को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। साथ ही साथ ये ठंडे तासीर का होता है, तो जब आप मसाज करेंगी तो आपको किसी प्रकार की इरिटेशन भी महसूस नहीं होगी। अच्छा फ्रेंड्स, दूसरी बात, इसको मसाज करने के लिए आपको कैसा तरीका अपनाना चाहिए, तो हमेशा क्लॉक वाइज सर्कुलर मोशन में ही हाथों को ऐसे घुमाते हुए ही आपको ब्रेस्ट पर मसाज देना है। करीब 5 से 10 मिनट आपको ये मसाज पर डे करना है। जब आप, अगर मान लीजिए रात में अकेले सोती हैं और आप ये सारी चीज़ें कम्फर्टली कर सकती हैं, तो नाइट के समय ही करके और फिर विदाउट आपके ब्रा पहने हुए आपको सो जाना है और सुबह फिर आपको नहा लेना है। तो ये वाला जो मसाज है ये आपके बहुत काम आ सकता है, बेनिफिट आपको पहुंचा सकता है। इसके लिए फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कितने दिन में वर्क करेगा। सो फ्रेंड्स, देखिए, आपके बॉडी के टाइप पे डिपेंड करता है, हर एक महिला का शरीर अलग अलग रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए कुछ महिलाओं को इसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी, कुछ महिलाओं को थोड़ा टाइम लेकर के भी दिखाई दे सकता है। और दूसरा तेल आप जैतून का ले सकती हैं, जिसको हम ऑलिव ऑयल कहते हैं, ये भी बिल्कुल 100% प्राकृतिक होता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको हमेशा जब भी आप नारियल तेल लें या फिर आप ऑलिव ऑयल लें, तो आपको ये देखना होगा कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई अदर मटेरियल इंक्लूड ना हो, आपको बिल्कुल 100% प्योर और नेचुरल ही प्रोडक्ट बाय करना है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ अगर इंस्टेंट आपको ब्रेस्ट साइज़ बढ़ानी है। बहुत सारे आजकल ब्रा भी मार्केट में मिलने लगे हैं जो आपके ब्रेस्ट साइज़ को इन्हांस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, जो कि काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल के होते हैं, तो ऐसे ब्रा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप पैड भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी इंस्टेंट ब्रेस्ट साइज़ बढ़ जाएगी। बट फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल चाहते हैं 100% इसका इलाज और परमानेंट, तो वो मसाज से ही आपका पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ बातें आपके ब्रेस्ट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जो ब्रेस्ट है फ्रेंड्स, ये प्राकृतिक रूप से हर एक महिला का हर समय चेंज होता रहता है। जैसे आप मान लीजिए कि अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो आपका ब्रेस्ट साइज़ छोटा ही रहता है। जब आप मैरिड हो जाते हैं उसके बाद आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, फिजिकल
रिलेशनशिप को लेकर के, तो हार्मोन के चेंजेस होने की वजह से भी फिर ब्रेस्ट साइज चेंज होता है। और तीसरी कंडीशन, जब आप माँ बनती हैं और आपके शरीर के अंदर एक शिशु पल रहा होता है, उसी दौरान से आपके शरीर के अंदर ब्रेस्ट में भी बहुत प्राकृतिक रूप से बदलाव आते हैं, आपके शरीर के अंदर दूध का निर्माण होना चालू होता है। तो इस कंडीशन में भी ब्रेस्ट साइज जो है वो अपना प्राकृतिक रूप से नेचर चेंज करता है और थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो आपको बिल्कुल घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका जैसा भी शरीर है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और समय के साथ ये अपने आप को बदलता भी रहता है। अगर फिर भी मन में कोई भी शंका है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल पर ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस आगे भी आती रहेंगी। सो दोस्तों, इसी के साथ अपना पूरा ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।